काबुल में चीनी होटल पर हुआ हमला, होटल के अंदर कई चीनी नागरिक थे मौजूद। काबुल शहर के शोएरनो में चीनी होटल पर हमला। पाक अफगान बॉर्डर पर बड़ा भारी तनाव, तालिबान ने भारी हथियारों से लैस लड़के किए तैनात, लड़ाके पाक पीएम शहबाज बोले हमला बर्दाश्त नहीं। अरब निर्मित पहले चंद्रयान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण, संयुक्त अरब अमीरात ने किया सफल परीक्षण, फ्लोरिडा में कैप कैनावरल स्पेस सेंटर से आज किया। जबरन धर्मांतरण मामले में टली सुनवाई, 80 में 9 जनवरी तक के लिए टली सुनवाई, सॉलिसिटर के मौजूद नहीं होने पर टली सुनवाई। गुजरात में भूपेंद्र लीली सीएम की शपथ, 16 मंत्री बने, 8 कैबिनेट, 2 स्वतंत्र प्रभार और 6 राज्य मंत्री। संसद में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बढ़ती इकोनॉमी से जलते हुए कुछ लोग, कांग्रेस के समय आईसीयू में थी पूरी अर्थव्यवस्था। संध्या के दिल्ली एयरपोर्ट पर सरप्राइज विजिट, भीड़ की शिकायतों के बाद टर्मिनल 3 पहुंचे मंत्री, निरीक्षण के बाद एयरपोर्ट अधिकारियों से की मीटिंग। नौरा फतेही ने जैकलिन के खिलाफ की शिकायत, दिल्ली की कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज किया, 200 करोड़ की जबरन वसूली का मामला। बिल्किस बानो केस में रिहाई का मामला, 11 दोषियों के रिहाई के खिलाफ याचिका पर आज 80 में होगी सुनवाई। उमर खालिद को कोर्ट से राहत, कोर्ट ने दी उमर खालिद को अंतरिम जमानत, कोर्ट ने 7 दिनों की अंतरिम जमानत दी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने राजा पटेरिया मामले में लिया संज्ञान, पूरे मामले के संगठन से की मांग की रिपोर्ट, राजा पटेरिया के बयान पर संगठन सख्त। पन्ना में एक बार फिर चमकी, किसान की किस्मत, मिला 14.21 कैरेट का बेशकीमती हीरा, 70 लाख रुपए की जा रही कीमत। खरगोन में कुएं में गिरा तेंदुआ का शावक, मौके पर पहुंचा वन विभाग का अमला, 5 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला। छिंदवाड़ा में युवक ने की हवाई फायरिंग, कहा कमजोर मत समझना, ठोक दूंगा, वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल।